है भाई। अभी तक तो मौसम ऐसा चल रहा था कि भाई सुबह तो ठंड रहती थी काफी, 10 बजे तक, 10 बजे के बाद धूप निकलती थी और इतनी तेज हो जाती थी कि दोपहर को 11-12 बजते बजते ये हालत हो जाती थी कि जो जैकेट वगैरह डाल के आते थे ना तो वो उतारनी पड़ जाती थी, बहुत भयंकर धूप पड़ती थी। माँ बेटे का प्यार भाई कभी कभी इतना उमड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मंकू में दे चप्पल, दे गुस्से, दे लात, पिटता भी बहुत है। डोगरी डोगरी अभी तो डोगरी कह रहा है भाई। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है ना कि लास्ट में जाके सवारी मिलती है, आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है। शाम के 7 बजे हैं और अब जाके वृंदावन की सवारियां मिली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां जा रही है वृंदावन। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, रात रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। का स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नहा धो के हो गए रेडी, निकल रहे मथुरा जंक्शन के लिए। बुधवार का दिन है, एक नया दिन नया ब्लॉग, दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। मौसम खुला हुआ है, वैसे तो भाई मौसम रोजाना ही खुल रहा है, अभी इतनी ज़्यादा सुबह शाम की जो सर्दी पड़ रही है ना, दिन में उतनी नहीं है। 10 बजे के बाद ऐसी धूप निकल आती है कि जैकेट वगैरह भी निकालने को मन करता है। तो चलिए निकलते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। और भाई देखिए कुत्तों से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे। ये सीट तो ऊपर रहती है, कल कुत्ते आ गए थे रात को तो मैडम जी ने ये पत्थर लगा दिया था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। कल ऐसा लगा था कि सीट फाड़ दी उन्होंने, पूरा का पूरा उधड़ा पड़ा हुआ था, दिखाता हूँ आपको, ये देखो इतनी बहुत भारी है रे, ये देखो पूरा का पूरा निकाल दिया होता इसका मामला। पहले तो इसको रखता हूँ इधर, भाग गया। चलिए भाई गाड़ी की साफ सफाई करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। वैसे आए तो अभी भी हैं, ये पंजों के निशान देखो, आके बैठे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको खोदने की कोशिश करते हैं यार, सीट फाड़ने की। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो भाई घर से निकल के सीधा मथुरा जंक्शन, और मथुरा जंक्शन से रोजाना की तरह सुबह सुबह सवारी तो मुझे आज भी जल्दी मिल गई है, लेकिन आज वृंदावन की जगह मैं जा रहा हूँ जय गुरुदेव आश्रम, और ये है मेरी आज की पहली सवारी। राधे राधे, इनको जय गुरुदेव मंदिर के लिए लेके जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं अपन। और इस समय गाड़ी चल रही है हाईवे पे, तो देखिए हाईवे कितना मस्त बना रखा है हमारा। भाई आ गया जय गुरुदेव मंदिर, और अभी यहाँ पे मेला शुरू होने वाला है, मुझे पता भी नहीं था, अभी इधर आया हूँ तो पता चला कि इधर मेला लगने वाला है, ये देखिए। और भाई ये है जय गुरुदेव मंदिर मथुरा का, देखने में ताजमहल जैसा लगता है। ये जय गुरुदेव मंदिर है भाई, और भीड़ में फंस गए आगे। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मेला लगने वाला है, आज यहाँ सवारी लेके आया हूँ तभी मुझे पता चला है, यहाँ जय गुरुदेव पे ना साल में 3 दफा मेला लगता है, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में, एक बार बरसातों में, तीनों मौसम में एक बार मेला लगता है, लगभग 10-15 दिन का। तो अभी सर्दियों वाला मेला शुरू हो रहा है और लगभग 15-20 दिन तक चलेगा यहाँ पे, तब तक हाईवे जाम रहेगा। अब तो फ्लाईओवर बन गया, मतलब पहले फ्लाईओवर नहीं था ना, भयंकर जाम रहता था भाई यहाँ पे। चले सवारी छोड़ दी अपनी, बोनी हो गई, अब दोबारा मथुरा जंक्शन चलते, फिर देखेंगे कहीं की। आज वृंदावन की सवारी मिल नहीं रही थी तो मैंने जो मिल रहा है लगा दो यार, काम करने से मतलब है, वो कहाँ का है कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। आज तो गोविंदा सबकी गाड़ी भरवा रहा हूँ मैं, सबकी गाड़ी भरवा रहा हूँ आज, भरवा कर रहे दो, एक एक कौन लेके जा भैया, इकट्ठी एक ही ले जा, उसी का भला हो जाए बहुत है, और ज्यादा लोगों का भला नहीं होना चाहिए। मिलवाट के खाओ, मिलवाट के खाओ भैया, एक सवारी लेके ना तो हमें पड़ता खा गया ना किसी को खा गया।
आज ना दोस्तों मौसम थोड़ा सा शरारत करता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो मौसम ऐसा चल रहा था कि भाई सुबह तो ठंड रहती थी काफ़ी, 10 बजे तक, 10 बजे के बाद धूप निकलती थी और इतनी तेज हो जाती थी कि दोपहर को 11-12 बजते बजते ये हालत हो जाती थी कि जो जैकेट वगैरह डाल के आते थे ना तो वो उतारनी पड़ जाती थी, बहुत भयंकर धूप पड़ती थी। आज कुछ ऐसा है, सुबह से ही लग रहा है कभी धूप निकल आती है कभी छांव हो जाती है। कल शाम को लगभग 4 बजे के बाद से ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हुई थी और तभी से मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है, तो लग रहा है कि हाँ अब सर्दी सी हो गई है। और भाई जो मेरे आसपास आपको दिख रही ना चारों तरफ बाइक है, ये देखो बाइक ही बाइक हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी बाइक यहाँ खड़ी लाओ। ये मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 3 की बाइक पार्किंग है, तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे बाइक लगा जाते हैं, उनकी पर्ची मिल जाती है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन जब तक चाहो तब खड़ी रहती है। तो भाई मौसम ने आज करवट ली है, देखो कितने दिन तक रहता है। वैसे भी दिसंबर खत्म होने को जा रहा है, इस बार पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दियाँ आएंगी कि भी नहीं आएंगी। सुबह शाम तो सर्दी लगती है लेकिन दोपहर में नहीं। हाँ 12 बजने जा रहे हैं भाई, एक चक्कर जय गुरुदेव आश्रम का जो पहला लगा था उसके बाद में मिल गया मुझे वृंदावन का, वृंदावन सवारी छोड़ के वापस मथुरा जंक्शन पे आ गया। और अभी कोई गाड़ी आई है शायद, इक्का दुक्का सवारी निकल रही है, कुछ मिल जाएगा तो लगाएंगे वरना घर जाने का टाइम, तो भूख लगी नहीं शुरू हो चुकी है, तो खाना पीना खा के शाम को दोबारा आएंगे जैसे रोजाना चलते हैं। फिलहाल तो इंतजार, कुछ मिल जाए तो देख लेते हैं भाई, ऐसे ही चलती अपनी लाइफ। हाँ भैया पूता, और कह रहा भैया कहा ठीक है, तू ठीक है क्या, काम ठीक है? अच्छा झाड़ू लग रहा हूँ, पहले लगा ले जब भी बलबा को। आज पहली बार पूछा तू काम करता हूँ, मिलाऊ हमेशा नहीं टांग फैला के पाता हूँ। हाँ पानी पिला दे यार, प्यास लगी है। हमारा जो पूता है ना, पूता बिहार में काम करके आ चुका है भाई। मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको कि बिहार में लॉकडाउन के टाइम पे ससुराल गया हुआ था, इसकी ससुराल है बिहार में, बेचारा लॉकडाउन में ससुराल में फंस गया, तो वहीं पे काम करना पड़ा। पूता कितने दिन में आ रहा तू बिहार में? काफी दिन में आता ना, कौन से जिले में था? बिहार में कौन सी जगह पे था? बिहार में कटिहार में। कटिहार, कटिहार जिला। अच्छा कैसा जिला है वो बिहार का है? कैसी जगह है? बढ़िया है, गांव है। गांव है? गांव था पूरा, मतलब शहर है बढ़िया है, कांडी का। ऐसे ठंडे में ठंडा ठंडा पानी बड़ो बड़ो लगे यार। यार बढ़िया था, शहर था वो, बढ़िया था। मेरा ना दोस्तों शेविंग रखने का बहुत मन करता है कि शेविंग रख लूं मैं, लेकिन मेरी दाढ़ी इतने गंदे तरीके से आती है, एक वाल इधर भागता है एक वाल उधर भागता है, तो भाई रख नहीं पाता, इस वजह से क्लीन शेव रहना पड़ता है। चलो बनवा लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपको जादू होने के बाद। सवारियों से बोलते हैं भाई साहब 100 रुपए सवारी लगेगा, और अब ऐसी स्थिति है, इतनी भुखमरी चल रही है, ये गलत बोल रहे हैं, इतनी भुखमरी चल रही है कि जुट का जी ने दे रहे हैं तो ये जान दे दे, जुट का रुपए सवारी लगता है, खुला रेट है। इतने बुरे हाल हो गए, होटल मिल नहीं रहे इन्हें, वृंदावन मिल नहीं रहा, समस्या देखो इतने बुरे हालात हो गए, भुखमरी बहुत तगड़ी फैली पड़ी है, जुट्टे का जगह वाड़ा नहीं मिल रहा है इन्हें, जुट्टे का जगह 200-200 आए, कब से आस में बैठे सुबह से, क्या चलना है, अब मिलेगा इन्हें देखता हूँ, इन लोगों को तो सब नकली है। वो डायलॉग क्या देते थे ये लोग, गाड़ी 800 बच्चे कम नहीं जाएंगे 500 से वृंदावन, वही लोग जुट्टे गज में 200 रुपए। राधे राधे। दोपहर को शेविंग करवाने के बाद घर गया था, घर खाना पीना खा के ब्लॉग एडिट करते करते बहुत भयंकर नींद आई भाई।
लगभग लगभग 2.5-3 घंटे दबा के सोया हूँ और अब निकल के आया हूँ 5 बजे। तो माहौल जैसा मैं मथुरा जंक्शन पर छोड़ के गया था ना दोपहर में, बिल्कुल वैसी कंडीशन है। आधे साथी इधर से उधर भटकने में लगे हुए हैं और आधे अपने अपनी जगहों पे खड़े, जैसे मेरे साथ में दोपहर में खड़े हुए थे। और भाई इन्हीं के लाइन में मैंने भी अपनी गाड़ी आके लगा दिया यहीं पे। अभी मथुरा जंक्शन के हालात दिखाओ तो ये देखो भाई, कुछ ड्राइवर भटक रहा है और इक्का दुक्का जो सवारी आ रही है वही है, कुछ नहीं है। ये हमारा एक और सलीम है, यहाँ मथुरा जंक्शन पे दो सलीम काम करते हैं और दोनों के दोनों ई रिक्शा चलाते हैं। वो बड़ा वाला जिसकी दाढ़ी और पूरा मुड़ीसा उड़ीसा बना के रहता है, ये छोटा वाला सलीम है। कैसे हालात हैं सलीम? कुछ नहीं है और बढ़िया है, या तो कुछ होना चाहिए या बढ़िया। ये कैसे हो जाएगा यार, टाइम पास हो रहा है, मतलब टाइम पास हो रहा है ये बोल। तो अभी जब से गाड़ियाँ थोड़ी कम हुई है ना तो काम कम हो गया है। हालांकि जिसको पल्ले पड़ जाती है ना उसका तो दिल अच्छा हो जाता है। पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा, सुबह सुबह आते ही मेरे को एक डी पीछे सवारी मिल जाती है, लेकिन जब लटकते हैं तो फिर बुरा ही लटकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमाई नहीं हो पाती है। आज सुबह सुबह आज भी मुझे चक्कर लग गया था वृंदावन का, अब शाम के टाइम में देखेंगे कैसा होगा। वैसे शेविंग हो गई है भाई, चेहरा हल्का सा लग रहा है यार, बल्ला ऐसा लगता था पूरा पूरा बाबा जी हो जा हुआ। भाई दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है ना कि लास्ट में जाके सवारी मिलती है, आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है। शाम के 7 बजे हैं और अब जाके वृंदावन की सवारियाँ मिली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ जा रही हैं वृंदावन, वो भी मोती झील तक। मेरी भी है यार, दूसरे ही नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ भाई। तो अब जाके सवारियाँ मिली हैं, जब से बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे कि कोई आए, फाइनली सवारी मिल गई, अब निकलते हैं। माँ बेटे का प्यार भाई कभी कभी इतना उमड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मंकू में दे चप्पल, दे गुस्से, दे लात, पिटता भी बहुत है। डोगरी डोगरी अभी तो डोगरी कह रहा है, हैं डोगरी अभी तो डोगरी कह रहा है, इस डोगरी बड़े बहुत प्यार है। इन दोनों की शरारतें भाई चलती रहती है। कल की छुट्टी है, क्या है कल? कल छुट्टी है, एग्जाम चल रहे हैं ना मंगू के, एग्जाम चल रहे हैं भाई, तो कल की छुट्टी बता रहा है। 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की, एक हफ्ता की तो होनी चाहिए कम से कम। कहाँ करे इतनी छुट्टी को, जे फाइनल एग्जाम है तेरे तो? हाफ ईयरली है, फाइनल तो मार्च में होंगे ना, मार्च में तो बंदर बन गया। चलो बढ़िया, देखो राम राम भाई सारे आले, मंगू डोले सोले बना, नहीं अब जिम जा, सुबह 10 बजे तक तो सोता है, इसके डोले बन जाएंगे। अब ना तो 5 बजे अपने आप खुल जाए, 5 बजे खुल जाए। अच्छा पेपर पेपर में अब जल्दी जाए तू ना, तो आते लग गई है, 5 बजे उठ गई। चलो बढ़िया, फिर क्या, क्योंकि सुबह में जगाती हूँ, झूठ इतना बोल रहा है, आदत लग गई है मम्मी। कल जगाया, परसों जगाया, चलो ऐसे जग जाएगा, दौड़ करने जाएगा यार। मैं गिर गई है, देखो दोस्त को ही आता मैं अभी से, अभी से सोता रहे, अभी से की तो हाइट पूरी है, अकेले अकेले कल दिन पहले वो बाबा एक्सपायर है ना, वो जाता ना अपने कम निकल रोज तो शाम को दौड़ जाए करना, शाम को दोस्त है तो अकेले जाने में फायदा है, दोस्त के संग दौड़ थोड़ी होगा, दोस्त का चरखी पे बना के ला दोस्त ना। तो ये दोस्तों काम खत्म करके घर पे आ चुके हैं और घर पे भाई हमारी मैडम ने देखो भाई फसल फैला रखी है, कपड़े ही मसाले। मैडम का जो काम है ना कभी खत्म होने में नहीं आता भाई, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कोई ना कोई मतलब जब काम नहीं होता ना तो मैडम को बेचैनी होना शुरू हो जाती है कि कोई काम नहीं है मेरे पर, तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है। मैंने कौन सी पिक्चर में देखा था, यहाँ एक बुजुर्ग होता है और जिसके पास कोई काम नहीं होता ना तो वो माचिस की डिब्बी लेता है और माचिस की तिल्लियों को फैला देता है, फिर उनको एक एक करके समेटने लगता है तो वो उसके लिए काम हो जाता है। वैसे ही हमारी मैडम है, जब काम ना हो तो मैडम को बेचैनी होती है, तो कपड़े घड़ी करे कराए कपड़ों को दोबारा से तय करके लग रही है, तो हमारी मैडम को ऐसा ही है भाई।
और भाई काम के हिसाब से कहूँ तो दिन अच्छा ही हो गया, क्योंकि सुबह के टाइम में भी वृंदावन का चक्कर लग गया था और शाम को भी लग गया। उस चक्कर को लगाने के बाद मुझे लगभग 8:30 का टाइम हो गया था मथुरा जंक्शन पे आते ही आते, तो उसके बाद सीधा घर निकल आया। अब खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और भाई इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।